नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल, जिसमें मिलता है आपको रेलवे से संबंधित ज्ञान, खास करके लोको के बारे में ज्ञान। इस वीडियो में हम देखेंगे QRS और PR2 के दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। मेरे को कुछ लोगों ने पूछा कि सर इन दोनों में डिफरेंस का वीडियो बनाइए, इसके लिए मैंने इन दोनों के डिफरेंस का वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं QRS और PR2 के बारे में, यानी इनकी जानकारी का भी पता करते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मालूम पड़ेगा। वैसे मैं RGEB और P2 का डिफरेंस पहले बता चुका हूँ, लेकिन इनका भी बता देते हैं। सवाल किया है हमारे साथी ने तो बता देते हैं। QRS और PR2 दोनों ही इलेक्ट्रिकल रिले है और दोनों ही TR पैनल पर ही लगी हुई है। इलेक्ट्रिकल रिले में भी किसी भी टाइप की हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन है इलेक्ट्रिकल रिले। अब इनके बारे में बात करते हैं एक एक टॉपिक लेके। QRS कैसे ऑपरेट होती है, तो ये RGEB के द्वारा होती है। तो RGEB को RGEB भी बोल सकते हैं या RGB2 भी बोल सकते हैं। और RGB का कनेक्शन कहाँ लगा हुआ है, BP पाइप पर। इसी प्रकार PR2 जो है P2 के द्वारा ऑपरेट होती है और P2 का कनेक्शन कहाँ लगा हुआ है, डायरेक्ट BP पाइप पर। यानी कि RGB और P2 का भी कनेक्शन दोनों का BP पाइप पर ही लगा हुआ है। अब कितना BP प्रेशर ड्रॉप होने पर यह ऑपरेट होती है, तो QRS जो है वैसे तो BL को अनलॉक करते इनर्जाइज हो जाती है, लेकिन जब BP प्रेशर घटकर 2.5 kg होता है तब ये डी इनर्जाइज हो जाती है, और डी इनर्जाइज होकर उसका NC इंटरलॉक Q51 पर लगता है। और ये जो है PR2 BP प्रेशर घटकर जब 4.4 kg होता है तो ये इनर्जाइज होती है और इसका NO इंटरलॉक ऑटो फ्लेशर पर क्लोज हो जाता है। और जब BP प्रेशर वापस बढ़कर 4.6 kg होता है तब ये वापस डी इनर्जाइज हो जाती है, इसका इंटरलॉक ऑटोफ्लेशर सर्किट से खुल जाता है। तो QRS का भी जब 2.5 kg पर ये डी इनर्जाइज होती है तो वापस इनर्जाइज कब होती है, जब BP प्रेशर बढ़कर 4.2 kg हो जाता है तब वापस ये इनर्जाइज होती है। QRS क्या काम करती है, यानी कि डी इनर्जाइज होकर Q51 को इनर्जाइज करती है और ऑटो रिग्रेशन लाने का काम करती है। PR2 क्या काम करती है, ये इनर्जाइज होकर NO इंटरलॉक लगता है Q51 पर, Q51 को इनर्जाइज करती है और ये भी ऑटो रिग्रेशन लाने का काम करती है। कौन सा इंटरलॉक है QRS का, NC इंटरलॉक लगा हुआ है Q51 पर, ये डी इनर्जाइज होकर ऑटो रिग्रेशन लाती है। और PR2 का NO इंटरलॉक है, ये इनर्जाइज होकर ऑटो रिग्रेशन लाती है। अब बात यह आती है कि जब दोनों का काम ही ऑटो रिग्रेशन लाना है Q51 के द्वारा, तो फिर ये दो दो क्यों लगे, एक ही लगा देते। लेकिन इन दोनों का प्रेशर ड्रॉप, BP प्रेशर का ड्रॉपिंग जो है वो अलग अलग सेटिंग है। जब कभी ऐसा ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है, जैसे ट्रेन पार्टिंग हो गया, BP पाइप फट गया, टूट गया, खुल गया, तब ये QRS के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। और जब चैन पुलिंग होता है या थोड़ा सा BP प्रेशर ड्रॉप होता है तो ऑटो फ्लेशर को जलाने के लिए ये ऑटो फ्लेशर भी जलती है, मतलब उस समय P2 के द्वारा और PR2 के द्वारा ऑटो रिग्रेशन भी उस समय आता है। तो BP प्रेशर का जो अलग अलग सेटिंग है दोनों का, इसलिए दो अलग अलग, क्योंकि QRS तो पहले से लगी हुई है और जब लगी हुई है तो ये तो तब डी इनर्जाइज होती है जब 2.5 kg प्रेशर ड्रॉप होता है। तो फिर थोड़ा सा BP प्रेशर ड्रॉप होता तो ना तो ऑटो रिग्रेशन आता ना ऑटो फ्लेशर जलती, इसके लिए फिर PR2 को एक्स्ट्रा जब ऑटो फ्लेशर सर्किट आया तब इसको भी लगाया P2 और PR2 को। तो इस प्रकार इनका थोड़ा वर्णन और ये अंतर था। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे मैंने वीडियो जमा कर रखे हैं, आपका मनपसंद वीडियो देखें। ऑडियो के लिए खबरी ऐप में जाएं, खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। कई लोग ईमेल के लिए पूछते हैं, ईमेल का भी मैंने ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। धन्यवाद।
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक भी जरूर कीजिए कर दीजिएगा, उसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता। धन्यवाद।